ओके, तो हे गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कुछ इस तरह का नया वीडियो बनाएंगे। अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो तो बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बस आपको कुछ नहीं करना, बस एक अलाइट मोशन ऑफ की ज़रूरत होगी, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ। आप सिंपली जाके ईजिली उधर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम लिंक के थ्रू से आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अलाइट मोशन ऑफ। ओके, तो गाइस, तो हम चलो बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। और फिर बट उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को प्रेस भी कर दो। क्योंकि गाइस, तो एडिटिंग करने के लिए वीडियो आपको एक बीटमार सॉन्ग में, जो कि डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूँ, आप सिंपली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने अलाइट मोशन के अंदर इनपुट कर सकते हो। अगर इनपुट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करो, उसके लिए भी एक वीडियो में डाल दूंगा बहुत जल्दी। तो आपको डायरेक्ट जाके सॉन्ग को इनपुट कर लो अपने अलाइट मोशन के अंदर। कुछ इस तरह है बीटमार, देख सकते हो। तो देख सकते हो ये बीटमार्क जो सॉन्ग के ऊपर दिया है, बस उधर ही बीटमार्क के अंदर ही आपको बस फोटो वहाँ पर ऐड करना है। आप प्लस आइकन पे टच करके, मीडिया पे टच करके आपको जो जो फोटो में बनाना है उस फोटो को टैप कर लेना है, जैसे मैं आप कर रहा हूँ। तो फोटो को टैप करके थ्री डॉट में जाके फिल कंपोज एरिया टच कर लेना है और फुल स्क्रीन करना है। तो आपको बीटमार्क उधर टच कर लेना है, एरो को टच करके, और देख सकते हो इस एरो को टच करके बीटमार्क के अंदर जा सकते हो और वहाँ से जाके ट्रिम कर लेना है आपको। ट्रिम देखो यहाँ पर है, ट्रिम कर लेना। ट्रिम का बटन है, देख सकते हो, आपको ट्रिम कर लेना है। फिर नेक्स्ट बीट का बीटमार्क के अंदर जाकर थ्री डॉट करके, फिर जाके मीडिया पे टच करके दूसरा फोटो ऐड कर लेना है। आगे चला गया, चलो कोई बात नहीं, इस बीटमार्क के अंदर कर लेना। और फिर बीटमार्क के अंदर ही फोटो रहना चाहिए, फिर जाके उधर आपको ट्रिम कर लेना, फुल स्क्रीन कर लेना है पहले, फुल स्क्रीन कर लेना है, फिर फोटो को टच करके यहाँ पर ट्रिम पर टच कर लेना है। तो इस तरह आपको सब जो जो बीटमार्क है वहाँ पर फोटो ऐड कर लेना है। फिर फोटो ऐड करने के बाद उसके बाद क्या करना है मैं बताऊँगा आपको। तो आप पहले फोटो ऐड कर लो अपना बीटमार्क के अंदर, ऐड कर लो, डबल हो गया। उसके बाद क्या करना है, चलो तो फिर बताता हूँ आपको। सिंपली बैक चले जाना है, बैक चले जाके बस इफेक्ट में टच करना है। तो अभी क्या करना है देखो गाइस, ध्यान से देखो फिर पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, जो फोटो है नीचे फोटो में टच करना है, तो आपको फोटो में टच करना है, फिर इफेक्ट में टच करना है, फिर थ्री डॉट में टच करना है, फिर कॉपी इफेक्ट कर लेना है, फिर बैक करना है, फिर जस्ट उसके ऊपर जो रिएक्ट है उसको टच कर लेना है, और ऊपर जो इधर टच कर लेना है, इधर टच करने के बाद कॉपी लेयर जो लिखा है उधर भी कॉपी लेयर भी कर लेना है, दोनों को एक साथ कर लेना है। फिर बैक चले जाना है, फिर अपना बीट मार्क के अंदर चले जाना है। तो बीट मार्क के अंदर जो फर्स्ट हम फोटो ऐड किया उधर टच करना है, फिर इफेक्ट में टच करना है, फिर थ्री डॉट में टच करना है, फिर कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो सिंपली आपको लाइन बाय लाइन कॉपी पेस्ट कर लेना है। जो डबल बीट मार दिख रहा है आपको, डबल बीट मार जो दिख रहा है उतना तक आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। देखो चार सेकंड का जो दिख रहा है, चार सेकंड तक उतना तक बस आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो हम कॉपी पेस्ट कर लिए, फर्स्ट इफेक्ट इतना दूर तक तो आप पेस्ट कर चुके हो। तो उसके बाद क्या करना है, आप पहले चले जाना है, पहले चले जाने के बाद आपको यहाँ पर टच करना है, टच करके पेस्ट लेयर कर लेना है। पेस्ट लेयर करके आपको जो बीट मार है, बीट मार तक परफेक्ट है, तो बीट मार कोई बात नहीं। फिर से आपको यहाँ पर टच करना है, जहाँ पर टच पहले की, फिर से टच करके फिर से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको पूरा बीट मार तक इसको लगा देना है, बीट मार तक चले जाना है। फिर यहाँ पर टच करना है आपको, टाइम पर टच करके इसको लेंथ को इसको बढ़ा देना है। कुछ इस तरह बढ़ गया, थोड़ा लैग मारेगा, पर इसे तो आप लोग इग्नोर करना क्योंकि वैसे लैग होता है, फिर सेव करने के बाद परफेक्ट हो जाता है। तो फिर से आपको पेस्ट कर लेना है, फिर पेस्ट लेयर कर लेना है, फिर इसे ठीक है बीट मार तक चले जाना है, बीट मार तक, और इसका लेंथ को बढ़ा देना है। तो आपको जहाँ तक आप पेस्ट किए थे पहले इफेक्ट, उतना दूर तक आपको कर लेना है, पेस्ट लेयर कर लेना है। तो हम पेस्ट लेयर करके इसका लेंथ बढ़ा देंगे, जहाँ की दो बीट मार था वहाँ तक हम लेंथ बढ़ा देंगे इसका, देख सकते हो। फिर इसके बाद क्या करना है, तो गाइस फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको बैक चले जाना है और सेकंड इफेक्ट में टच कर लेना है, फिर जो सेकंड फोटो है उधर टच करके इफेक्ट पे टच करके कॉपी कर लेना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर सिंपली बैक चले जाना है और आप बीट मार्क के अंदर चले जाना है, जहाँ तक हम डबल मार्क तक हम जो पेस्ट किए थे इफेक्ट, तो उसके बाद जितना फ़ोटो उसमें पेस्ट कर लेना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, देख सकते हो जितने भी फ़ोटो हैं वहाँ पर उसके पहले उससे पेस्ट करना है। तो बीट मार थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो इसे हम परफेक्ट कर देंगे। उसके बाद जितने फ़ोटो है जो डबल बीट मार के अंदर जितने फ़ोटो थे वहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट कर लिए,
तो हम पेस्ट कर लिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली बैक चले जाना है और सैक पैड में टच कर लेना है, और जो फर्स्ट वाला जो लॉन्ग प्रेस करना है और नीचे पे लॉन्ग प्रेस करना है और दोनों को उधर टच करके कॉपी टू लेयर कर लेना है। फिर सिंपली बैक चले जाना है और यहाँ पर फर्स्ट आके इधर पेस्ट टू लेयर पे टच कर लेना है। अब जैसे पेस्ट टू लेयर के फिर लास्ट चले जाना है आपको, फिर यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है फर्स्ट में और जो ये दिख रहा है वहाँ पर टच कर लेना है लास्ट तक। फिर आपका वीडियो कुछ इस तरह तैयार हो जाएगा, देख सकते हो, देख सकते हो वीडियो कितना मज़ेदार बन चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। तो आज का वीडियो कुछ इसी तरह का वीडियो बनाने में था, तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लेना है, यहाँ पर जाके आपको जितना चाहिए उतना में कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं।